गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर नंबर 16 फॉर क्लास 12th। ठीक है, तो उसका जो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड, तो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं फूड के अंदर बहुत टाइप की वेराइटी में प्रेजेंस रहते हैं, जैसे फूड कलर्स, स्वीटनिंग एजेंट। नॉर्मली ये जो हम जानते हैं उनको मैं बता रही हूँ, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा होते हैं फ्लेवर्स, वनीला फ्लेवर। ठीक है, फैट इमल्सीफायर्स, स्टेबिलिटी एजेंट, एंटी स्टेलिंग एजेंट, ब्लीचेस, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लाइक मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लाइक मिनरल, विटामिन एंड अमीनो एसिड। तो ये बहुत सारे केमिकल्स हैं जो फूड में एग्जिस्ट करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, तो अब आज जो हम लोग इनमें कवर करेंगे वो है स्वीटनिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग स्वीटनिंग एजेंट्स। नाम से पता चल रहा है फूड के टेस्ट को कैसा कर देगा, स्वीट। अब इसको लेते क्यों है, ऑलरेडी फूड जो है फ्रूट्स वगैरह ये तो सब स्वीट ही होते हैं, तो ये उस फूड को स्वीट करता है जहां पे हमें स्वीटनेस चाहिए लेकिन कैलोरी नहीं चाहिए, कैलोरी नहीं चाहिए। तो ये बोल सकते हैं इन एजेंट्स के पास वो एंजाइम नहीं होता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो कैलोरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये टेस्ट को तो बढ़ाएगा ही, टेस्ट को कैसा कर देता है, स्वीट, बिना बॉडी में रिएक्ट करे, बिना बॉडी में रिएक्ट करे। कहाँ से पास होता है, पास आउट थ्रू यूरिन। केवल ये फूड के टेस्ट को इनहेंस करता है, बाकी एज इट इज ये यूरिन से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा ये टूथ डिके से भी सेफ रखता है, टूथ डिके जो है यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है, तो ये बोला जा सकता है और इन सभी के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज फॉर रिड्यूस कैलोरी इनटेक एंड प्रोटेक्ट टूथ डिकेइंग, और कैसा होता है, इनहेंस द स्वीटनेस ऑफ द फूड। क्लियर है, ये हो गया स्वीटनिंग एजेंट के लिए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज की बात करें या एल हेक्सोज की बात करें, हेक्सोज के अंदर टोटल 16 आइसोमर होते हैं, 8 डी आइसोमर, 8 एल आइसोमर। तो जितने भी एल आइसोमर हैं ये सब क्या है, आर्टिफिशियली स्वीटनिंग एजेंट हैं। ठीक है, और इन सभी की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, ना कैलोरी देते हैं, ना इनके पास ये एंजाइम होता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्ट में ये स्वीट होते हैं, टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और ये पास आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो यूज एज पोटेंशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर, बट इट कैन बी सिंथेसाइज, दिस इज फॉर ऑल 8 एल हेक्सोज। क्लियर है, गुड। इसके लिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है एलिटेम, एलिटेम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ये शुगर से, शुगर सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, चीनी जिसको कहते हैं टेबल शुगर, उससे 2000 टाइम्स ये स्वीट होता है, उससे 2000 टाइम ये स्वीट हो सकता है। तो आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि ये कितना मीठा होगा। ठीक है, तो हाई, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल होती है वो कैसी होती है, हाई। इसका एक प्रॉब्लम है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। हाई पोटेंसी मीन्स क्या होता है, इट हैज़ डिफिकल्टी टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड टू विच दे आर एडेड। ये जिस भी फूड में एलिटेम डाला जाता है ना, तो ये उस फूड की स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको कितना ज़्यादा मीठा कर देगा ये उसके खुद के ही कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये देखो कितना कंट्रोल करेगा, 2000 टाइम्स ज़्यादा मीठा है ये,
तो जिस फूड में भी ऐड किया जाएगा ना, तो ये उसके मीठेपन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए इसको कम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये स्टेबल है, इसका जो पोटेंशियल वो हाई है, ये कंट्रोल नहीं कर पाता, ये इसके अंदर डिफ़िकल्टी है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। एग्ज़ाम्पल क्रीम, फूड क्रीम जो आती है, फ्रोज़न डेजर्ट, ठीक है, फ्रोज़न डेजर्ट में भी ये यूज़ किया जाता है, जेम्स, सॉसेस, टॉपिंग्स, ठीक है, पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स, क्लियर है। तो एज ए टॉपिंग्स भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये मीठे जो है केक वगैरह उन पे यूज़ किया जाएगा, पिज़्ज़ा पे तो यूज़ नहीं किया जाएगा, ये जस्ट टॉपिंग्स से नाम पिज़्ज़ा का ही आता है इसलिए मैंने बोला। ठीक है, क्लियर, गुड। सेकेंड है सुक्रोलोज, ये विद नेम आपको याद करना है, आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा नहीं है। सुक्रोलोज ये 600 टाइम्स जो है मोर स्वीट होता है, किसके कंपैरिजन में, टेबल शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है, ये भी स्टेबल होता है। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, नाइदर प्रोवाइड कैलोरीज नॉर कॉज टूथ डिके, ठीक है। तो अब देखो जब ये कैलोरी भी नहीं दे रहा है, टूथ डिके भी नहीं कर रहा है, तो ये मोस्टली किस में यूज़ किया जाएगा, कुकिंग और बेकिंग, क्लियर है। तो इसके लिए एग्जांपल है च्युइंगम, ठीक है, केन फ्रूट, केन में कोल्ड ड्रिंक पिए केन में, तो उसी तरीके से केन के अंदर जो फ्रूट्स निकल फ्रूट्स रखे जाते हैं फ्रोजन करके, तो उनमें भी कौन सा शुगर यूज़ किया जाता है, सुक्रोलोज, ठीक है। तो ये 600 टाइम जो है मोर स्वीट होता है, किसके कंपैरिजन में, टेबल शुगर के कंपैरिजन में। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पूछी भी नहीं जाती हैं, मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट है सैकरीन, ये तो वेल नोन है नाम, बहुत लोगों ने सोसाइटी में यूज़ करते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं सैकरीन, ठीक है, इसका एक केमिकल नेम है ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड, ठीक है, 1879 में इसको निकाला गया था। तो ये क्या था, इसीलिए मैंने बोला ये मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, नॉट बायो डिग्रेडेबल, बॉडी के अंदर बायोडिग्रेड नहीं होगा, क्लियर है, और पास आउट थ्रू यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर जिनको मीठा खाना, यानी नेचुरल मीठा खाना जिनको मना होता है, वो लोग अपने मन की प्यास को मीठे की जो तलब लगती है उसको सैकरीन के थ्रू मिटाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेक्ड फूड, ये सब इसमें ध्यान रखना है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी शुगर यूज़ की जाती है, सैकरीन, क्लियर है, तो ये ध्यान भी रखना है। और ये टेबल शुगर से 550 टाइम्स मोर स्वीट होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है एस्पार्टेम, ठीक है, बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता है, वाइडली यूज्ड, ठीक है, और ये टेबल शुगर से 100 टाइम्स मोर स्वीट है, टेबल शुगर से 100 टाइम मोर स्वीट है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है,
ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज एट कुकिंग टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको कुकिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यूज्ड इन कोल्ड फूड, ठंडे जो फूड्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वहाँ ये यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा शुगर जो है, कौन सा स्वीटनिंग एजेंट जो है कुकिंग टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है, दैट इज एस्पार्टेम, इसलिए उसको किस में यूज़ करते हैं, कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, ये डायबिटिक के लिए था, ये किसके लिए, कौन से डिजीज के लिए, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, ये वो डिजीज़ है जिसमें यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जिन लोगों को ये डिजीज़ होती है फिनाइल कीटोन यूरिया, तो यूरिया क्या करता है, एस्पार्टेम को पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जिनको ये डिजीज़ हो उनको एस्पार्टेम से रिलेटेड या जिस भी फूड में एस्पार्टेम होता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि यूरिया जो इसमें डिजीज़ की वजह से जो यूरिया एक्सेस में हो रहा है वो एस्पार्टेम को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फिनाइल पाइरूविक एसिड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू बन जाता है ये। क्लियर, गुड। नेक्स्ट है साइक्लामेट। ठीक है, ये किसकी तरह दिख, मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती है, सेकरीन की तरह होती है। ये 7 times मोर स्वीट होता है किसके कंपैरिजन में, टेबल शुगर के कंपैरिजन में। तो साइक्लामेट और एंड सेकरीन, जब इनको 10:1 यानी 10 साइक्लामेट और 1 सेकरीन इस रेशो में मिक्स करके एक और स्वीटनिंग एजेंट बनाया जाता है, तो ये और भी ज़्यादा स्वीटर हो जाता है, और भी ज़्यादा मिठास देने वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसका जो मिक्सचर है वो एनिमल्स में ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्यूमर हो जाता है इसकी यूज़ करने से। ठीक है, तो बट दिस मिक्सचर कॉज ट्यूमर इन एनिमल्स। क्लियर है, तो ये याद रखना है, फिनाइल कीटोन यूरिया वाले एस्पार्टेम को यूज़ ना करें, क्योंकि फिनाइल पाइरूविक एसिड बन जाता है वाया मेटाबॉलिज्म, और साइक्लामेट जो मिक्सचर बन के आता है साइक्लामेट और सेकरीन का 10:1 के रेशो में, उसको एनिमल्स यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसके ट्यूमर बनने के लिए। ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज में तो इसको बैन किया हुआ है, इसको यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है इसका, और जब ये टॉपिक ख़त्म होता है तो हमें करने होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये नोट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर दिया हुआ है, जो बोला है वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है प्रिजर्वेटिव्स का। अब आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं जो टॉपिक हुआ है उसमें से इन क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं। व्हाई डू वी यूज रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, क्योंकि हमें कैलोरी नहीं चाहिए और टूथ डिके भी हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए।
देखा इसका आंसर ये रहा, टूथ डिके ना हो, कैलोरी ना मिले, ठीक है, एंजाइम इसके पास नहीं होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये इसीलिए हम लोग जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बॉडी में कैलोरी नहीं चाहिए होती है। कोई डिजीज होती है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है शुगर, तो वो इससे अफेक्टेड नहीं रहती है, इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, गिव टू एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने आपको पांच बता दिए, एलिटेम, सुक्रोलोज, सैक्रीन, एस्पार्टेम, साइक्लामेट। ठीक है, कैसे पांचों की प्रॉपर्टी में से कुछ भी लिखिए जो आपको याद रहे। व्हाई इज एस्पार्टेम लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। ये मैंने आपको एस्पार्टेम कराया है तब लिखा है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है कुकिंग टेम्परेचर पर, इसलिए इसको किस में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड फूड के अंदर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का, सॉरी यहाँ क्वेश्चन कवर हो जाता है। नेम द स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्वीट्स फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन कौन सी जो है स्वीटनिंग एजेंट जो है यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए आंसर है, सबसे पहले तो मैंने बताया था डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज्ड फॉर डायबिटिक सैक्रीन, लेकिन बाकी में भी प्रॉब्लम नहीं है डायबिटिक, क्योंकि ये तो सारे क्या है यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं, बॉडी पे अफेक्ट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एस्पार्टेम एलिटेम को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, सैक्रीन वगैरह तो यूज़ कर ही सकते हैं, तो स्पेसिफिक डायबिटिक पेशेंट के लिए ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज इन यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये जब मैंने एलिटेम कवर किया था तब आपको बताया था इसका पोटेंशियल जो है वो हाई होता है, यानी इसको डिफिकल्टी होती है कि कितना अमाउंट में इसको डाला जाए। ठीक है, इट हैज डिफिकल्टी टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड टू विच दे आर एडेड। इसका आंसर केवल इतना ही है। ठीक है, फूड केमिकल्स के अंदर जो सेकंड है जो हमें पढ़ना है वो है प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, यूज्ड टू प्रोटेक्ट फूड अगेंस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, ठीक है, एट्सेट्रा। तो फंगस ना लगे, बैक्टीरिया ना उसको ख़त्म कर दे, इसलिए फूड को बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, ठीक है, एट्सेट्रा। तो इनको दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है, क्लास सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट में देखो क्या होता है, फूड बाय एडिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, किसी भी फूड में आप क्या डाल दो, एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये भी ऐसे एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग। मेनली ये मीट और चिकन वगैरह को सेफ रखने के लिए काम में लिया जाता है, उसको चारों तरफ से नमक से कवर करके डीफ्रीज कर दो तो वो सेफ रहता है काफ़ी टाइम तक। तो प्रिजर्व एग्जांपल है इसका वही मीट, टैमरिंड, मैंगोज, बीन्स और बहुत सारे फ्रूट्स इसमें ऐसे आते हैं, तो मोस्टली ये इसके काम में लिया जाता है। ठीक है, क्लास सेकंड में जो रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं, इनके एग्जांपल्स हैं तीन चार, उनको याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल है आपको आना चाहिए, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे बॉडी में जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूप्यूरिक एसिड में और यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, यानी बॉडी पे अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, पास बाय यूरिन बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। ह्यूप्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये लो, CONH CH2CO। क्लियर है,
तो इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इसका नाम याद रखना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो ये याद रखो कि सोडियम बेंजोएट जो है बॉडी में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एसिड यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो ये किस में यूज़ होता है, यूजेस सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो पैक्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसी में, एसिडिक फूड्स, ब्रेड्स सबसे ज़्यादा खाया जाता है, केक मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ। सेकंड है सोडियम मेटाबाई सल्फेट, इनका नाम याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोडियम मेटाबाई सॉरी सल्फेट नहीं सल्फाइट Na2S2O5, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होगा, फ्रेश फ्रूट्स, इनको लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सोडियम मेटाबाई सल्फेट, ठीक है। थर्ड है सॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये सॉल्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी ये रखता है। तो ये किस में यूज़ होता है, बेक्ड फ्रूट, पिकल्स, मीट, फिश, ऐसे प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मीट, क्योंकि सॉल्ट के लिए मैंने आपको वहाँ बताया था, फिशेस, बेक्ड फूड, ठीक है, तो सभी में ये प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। फोर्थ है इपॉक्साइड, तो ये किस में यूज़ होता है, केवल जस्ट इनको यूजेस ही इनके याद रखने, स्पाइसेस, नट्स के पैकेट जो आते हैं, ड्राइड नट्स, ठीक है। इसका काम क्या है, ये मॉइस्चर से बचाता है, जैसे इनको मॉइस्चर इनके आसपास आएगा तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो बैक्टीरिया को जो कंडीशंस चाहिए वो मिल जाएंगी। तो इपॉक्साइड क्या करता है, इसको मॉइस्चर से सेफ रखता है। लास्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑलिव ऑयल, पिकल, सीरप्स, बेक फूड, ये उसमें काम में आता है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो और सबके नाम तो याद होने चाहिए एटलीस्ट, अगर यूजेज आप भूल भी जाते हो याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। इपॉक्साइड तो वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक टाइप का है। बाकी सॉर्बिक एसिड है, ये सॉल्ट की तरह होता है तो ये भी याद हो जाएगा। बाकी मैं आप लिख दो बेक फूड, ठीक है, कॉमन है, क्लियर। तो यहाँ से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएगा, ये रहा आंसर। तो इसमें आप क्लास वन लिखो, क्लास सेकेंड लिखो, क्लास सेकेंड के नाम तो याद एटलीस्ट करने ही करने हैं, क्लास वन को तो कुछ याद करने का है नहीं, नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही प्रोसेस है, क्लियर। लिख लो, मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई होगी ना, इसमें समझ में आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जो थर्ड पॉइंट्स है केमिकल इन फूड्स में वो है एंटी ऑक्सीडेंट, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और रेंसिडिटी। जो है क्लास 10 में आपने पढ़ा है ये टॉपिक, लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। तो चिप्स, कुरकुरे, ये लेज वगैरह के जो पैकेट हम खाते हैं इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी होती हैं, हम लोगों ने देखा है कि कितना गैस उसके अंदर फिल होता है और इतना सा मटेरियल उसके अंदर निकलता है। तो वो क्या होता है, जैसे जितने भी उसके अंदर जो फूड आते हैं वो सभी फ्राइड फूड होते हैं, तो उनके अंदर फैट आ जाता है, यानी ऑयल में तले हुए रहते हैं। तो उस ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उस पैकेट से ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो फैट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी स्मेल नहीं आएगा। इसके अलावा क्या करते हैं, कोई सैक्रिफिशियल मटेरियल को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो दे रिएक्ट विद O2 देन मटेरियल्स दे आर प्रोटेक्टिंग, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और एक अदर प्रोडक्ट बना लेते हैं, और जिसको हमें सेव करना होता है वो हमारा सेफ रह जाता है। इनके एग्जांपल हैं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, तो ये जस्ट नाम है, इनको याद रखना है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का ही दूसरा नाम है टोकोफेरॉल,
यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको याद करना है। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्लिंजिंग एजेंट। इन्हें क्लीनिंग एजेंट भी बोला जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके के हैं मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, वो है सोप डिटर्जेंट, ठीक है। दोनों को कहाँ यूज करना है ये, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे ये जो है सरफेस पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। दोनों ही कैसे रहते हैं, सरफेस पे एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सर्फेक्टेंट। नाम है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। सरफेस एक्टिव रिएजेंट, सरफेस एक्टिव रिएजेंट, क्लियर है? तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले सोप। सोप क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल, ठीक है। अब वो फैट जो लेना है, फैटी एसिड जो लेना है, वो लेना है हमें ग्लिसरल, एस्टर ऑफ सॉरी फैटी एसिड, ठीक है। विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सपोनिफिकेशन। सोप के बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। तो रिएक्शन को हम देख लेते हैं, फैटी एसिड्स का वो ले लेते हैं। हमने लिया है फैट, क्या लिया, फैट ग्लिसराइल, एस्टर ऑफ स्टेरिक स्टेरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, सी एच टू, एस्टर का बॉन्डिंग सी सेवेंटीन एच थर्टी फाइव, ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या है, फैट है, कौन सा फैट है, ये ग्लिसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई हमने NaOH के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन, क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन, सोप का बनना, ठीक है। हीट किया, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम स्टेरेट सी सेवेंटीन एच थर्टी फाइव सी ओ ओ एन ए, यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव पार्शियल, ये पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा सेम ओ एच ओच ओच, स्ट्रक्चर याद करने से काम चल जाएगा। ये क्या है, सोडियम स्टेरेट, ठीक है, तीन कंपाउंड्स बनेंगे, और ये आपका क्या हो गया, ग्लिसरॉल, क्लियर है। तो ये क्या है, ये है सोप, और इस प्रोसेस से सोप का बनना ही क्या होता है, सपोनिफिकेशन, क्लियर है, ठीक। अब देखो सोप कैसे रिएक्ट करता है, जैसे ही सोप वाटर के अंदर जाता है, ठीक।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोप जो है अपना कोलोइडल फॉर्म बनाएगा। अब मैम कोलोइड क्या होते हैं, कोलोइडल क्या होता है, ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर क्लास ट्वेल्थ के सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वहाँ से आपको कोलोइड और सोप का कोलोइड बनना, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं सोप के वो इकट्ठे होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, वही क्या होता है, कोलोइड होता है। लेकिन इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होता है कि जो नेकेड आई से भी दिखाई दे जाए, ठीक है, नैनोमीटर्स की रेंज में होता है ये, क्लियर, ठीक है। तो कोलोइडल फॉर्म ऑफ सोप ये बना लेते हैं, ऊपर की साइड फ्लोट करने लगता है, नीचे मिलेगा आपको रिमेनिंग लिक्विड और ये लाई के फॉर्म में मिलता है, और इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं या बाहर निकाल देते हैं तो ये वॉशिंग भी हो जाती है। ये है सोप का रिएक्शन विद वाटर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी सोप में ग्लिसरॉल का अमाउंट ज़्यादा मिला दिया जाए तो वो सोप कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सोप के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, ग्लिसरॉल, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ओनली सोडियम पोटेशियम साल्ट वाले जो सोप बनते हैं केवल उन्हीं को वाटर के साथ यूज़ किया जाता है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, क्लियर है। दोनों मेटल याद रहेंगे, सोडियम और मेटल के साथ जो सोप बनते हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। और अगर इसमें भी देखा जाए तो पोटेशियम सॉल्ट के जो सोप होते हैं वो स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम सॉल्ट। तो देखो अब सोप भी बहुत टाइप के होते हैं, टॉयलेट सोप, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सोप हुआ, लॉन्ड्री सोप हुआ, नहाने का साबुन, धोने का साबुन, हाथ धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सोप इज बायोडिग्रेडेबल, ये आपको ध्यान रखना है। सोप क्या है, सोप की प्रॉपर्टी है ये कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि हमारे एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू या माइक्रोब्स के थ्रू, ये जो है सीवेज में जाएगा और वहाँ पर माइक्रोब्स के थ्रू ये बायोडिग्रेड भी हो जाएगा या कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो वो जो सोप है वो किस में ऑक्सीडाइज होगा, CO2 बना लेगा फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोल सकते हैं कि गड़बड़ इसके अंदर, वो है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, हार्ड वाटर में ये रिएक्ट ही नहीं करता है, हार्ड वाटर में ये इनसॉल्युबल रह जाते हैं। पानी में जब सॉल्व ही नहीं होगा, डिजॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व के डिजॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, एक जिसको बोलते हैं रुई जैसे या तो गंदगी जैसा कुछ बना लेगा, झाग जैसे, उनको बोलते हैं हम लोग स्कम, क्या बोलेंगे, स्कम, यानी कि ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ। जब पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि उस पानी में ये घुल ही नहीं सकता, सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है, डिजॉल्व ही नहीं होगा, और क्या बना लेगा, स्कम, खुद के ही आपस में मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्या बना लेगा, स्कम लाइक, और सीधा ही निकल जाएगा, तो ये क्लीनिंग में काम में ही नहीं आएगा। तो सोप जो है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एक प्रेसिपिटेट बना लेता है, क्योंकि इनसोल्यूबल रह गया तो प्रेसिपिटेट ही बनाएगा, और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, स्कम, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लो, सोप का फॉर्मूला आप तो याद होना चाहिए, C17H35COONA और पोटेशियम, ठीक है, और है ये Na की जगह या पोटेशियम लगा दो या Na को रख दो, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर में कौन से आयंस प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, इस टाइप के आयंस प्रेजेंट रहते हैं, इन्हीं के प्रेजेंस की वजह से ये, मतलब ये सॉल्ट फॉर्म में रहते हैं, ये समझ लो। मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट के प्रेजेंस में ये रहते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेगा, ये आयंस जो है सेपरेट हो जाएंगे, इनकी जगह ये अटैच हो जाएंगे, और
ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट यहाँ पे बना लेगा, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं है, ये एज ए स्कम जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल आएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट, ये समझ रहे हो अब कोई इस टाइप के ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? तो ये है स्कम का फॉर्मूला, इसलिए ये हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ठीक है, अब कुछ सोप्स के एग्जांपल हैं, ये याद होने चाहिए। फर्स्ट है लॉरिक एसिड, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था वो स्टेरेट एसिड से पढ़ा था, अब ये है लॉरिक एसिड C11H23COOH। जब इसको हम लोग NaOH की यानी सल्फोनिफिकेशन प्रोसेस जब करवाएंगे तो C11H23COONA सोडियम लॉरेट, ये है सोप, ठीक है, सोडियम लॉरेट बनेगा। ऐसा ही है पाल्मिटिक या पामिटिक, ठीक है, पामिटिक, पाल्मिटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेलिंग याद रहता है, जबकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पामिटिक एसिड C15H31COH। सपोनिफिकेशन प्रोसेस करवा रहे हैं हम लोग, हीट किया C15H31, तो ये बन गया सोडियम पामेट, सोप का नाम है सोडियम पामेट, ठीक है। ऑलिक एसिड थर्ड है C17H35COH, NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराया, हीट किया C17H35CONA सोडियम ऑलेट, सोडियम ऑलेट। लास्ट है लिनोलिक एसिड C17H31COH, इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ C17H31CONA सोडियम लिनोलेट, ठीक है, ध्यान रखने ये सोप्स के नाम हैं, याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी पूछ लेते हैं एज इट इज़ नाम एग्ज़ाम में, तब केवल हमें नाम तो याद रहता है लेकिन इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन कम से कम 10 मिनट तक इनको देखोगे ना एक बार आके टक्कर के तो भी ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से यहाँ दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, और एक क्वेश्चन और है इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है इसी क्वेश्चन का, कैन यू यूज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आप सोप के लिए लिख दो क्योंकि स्कम बनाता है, ठीक है, तो वो हार्ड वाटर स्कम नहीं बनाता है तो वो सॉफ्ट वाटर है। क्लियर है? नोट्स लिख लो, बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, लॉकडाउन का फायदा है भाई। Why do soaps not work in hard water? तो ये रहा इसका आंसर। एक्चुअली थ्योरी के बाद क्वेश्चन लिखती हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, तो ये ऊपर वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स सोप के लिए, इसका नाम हो जाएगा लॉरेट, पामिट, ऑलिएट, लिनोनेट, ठीक है, ये सब सोप्स हैं। एक और यहाँ क्वेश्चन निकल के आता है वो है, कैन यू यूज सोप्स एट सिंथेटिक डिटर्जेंट टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सोप के लिए तो हमने पढ़ लिया है, तो सोप के अगर पढ़ लिया है वो भी अगर आपको आता है तो भी आप इसका आंसर दे पाओगे, सिंथेटिक डिटर्जेंट के लिए भी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं, डिटर्जेंट या सोपलेस सोप, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज अमोनियम सल्फेट और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, और वो लॉन्ग चेन कितनी होती है, 12 से लेके 18 यानी 12 to 18 कार्बन की एक चेन लगी हुई होती है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ये चेन पार्ट है और ये
सॉल्ट जिसका आयन आयोनिक पार्ट है ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो मे बी डिफाइंड एज अमोनियम सल्फेट और सल्फेट सॉल्ट ऑफ, क्या है ये, सल्फेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एनायोनिक एंड कैटायोनिक, और थर्ड कैटेगरी भी होती है इसकी, वो होती है नॉन आयोनिक, ना कोई भी आयन नहीं होगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग एनायोनिक, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो लार्ज पार्ट होगा, लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल आर, लार्ज पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, एनायन। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देते हैं, लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं हम लोग, लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट, सेम प्रोसेस है सल्फोनिफिकेशन वाला, केवल सब्सटेंस चेंज हुए, ठीक है। इसको रिएक्ट कराया हमने सेम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हीट किया, क्या बन गया है, C11H23OSO3-Na+। तो ये देखो एनायनिक पार्ट ये है और ये बड़ा है, लार्जर पार्ट जो है वो कैसा है, एनायनिक। ये हो गया सोडियम लॉरेल सल्फेट, मैंने बोला था डिटर्जेंट क्या है, सल्फेट आयंस, तो ये क्या है, डिटर्जेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसमें नेगेटिव पार्ट जो बड़ा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एनायनिक टाइप डिटर्जेंट, एनायनिक टाइप डिटर्जेंट। इसका एक एग्जांपल और है, वो है 4-Dodecyl, ठीक है, 2-Dodecyl मतलब 12 कार्बन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये हो गया टोटल 12, बेंजीन हो गया सल्फोनिक एसिड, क्लियर। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो 4-Dodecyl, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिया सेम प्रोसेस NaOH और साथ में कर दिया हीट, तो क्या होगा, एनायनिक एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि एनायन वाला जो पार्ट है वो बड़ा है और कैटायन वाला जो पार्ट है वो छोटा है, इसलिए बोलते हैं इनको एनायनिक डिटर्जेंट। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम 4-1-Dodecyl बेंजीन सल्फोनेट, क्लियर, गुड। 8 जो वर्ड लगता है ना, 8, ये सब किसके लिए लगता है, किसके लिए लगता है, ये वर्ड लगता है नेगेटिव चार्ज को शो करने के लिए या नेगेटिव आयन को दिखाने के लिए, ठीक है, क्लियर। एनायोनिक डिटर्जेंट भी जो है, अब दो टाइप से होते हैं एनायोनिक डिटर्जेंट जो है, 2 टाइप्स के होंगे, सॉफ्ट डिटर्जेंट और हार्ड डिटर्जेंट, ठीक है। अब ये दोनों किस बेस पे क्लासिफाई किए हुए हैं, बायोडिग्रेडेबिलिटी पर, तो ये हाईली बायोडिग्रेडेबल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, और ये पुअर है, ठीक है, पुअर बायो डिग्रेडेबल, ठीक है, क्लियर। इसमें कौन होते हैं, लीनियर, कौन से क्लास को रखा जाता है, लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं LAS शॉर्ट फॉर्म में, और इसमें रखा जाएगा जस्ट इसका अपोजिट ब्रांच एल्काइल
सल्फोनेट या ब्रांच चेन हैविंग सब्सटेंसेस. क्लियर है? ठीक है, इधर देखो, हमने लास्ट जो एग्जांपल लिया था ये लीनियर है, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा. ठीक है, 4-dodecylbenzene सल्फोनिक एसिड से सोडियम 4-dodecylbenzene सल्फोनेट. ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट डिटर्जेंट का एग्जांपल. और जो पुअर बायोडिग्रेडेबल है, हार्ड डिटर्जेंट है, उनके एग्जांपल हैं ABS अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है, और एक एग्जांपल है इसका, ABS शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार, सोडियम 4-1-3-5-7 टेट्रा, ब्रांच्ड है ना इसलिए तो ब्रांच तो आएगी, टेट्रा मिथाइल बेंजीन. ये किसके एग्जांपल है? हार्ड डिटर्जेंट के नाम के साथ इनको याद रखना है. ठीक है, और यहाँ जो एग्जांपल आएगा वो आएगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोडियम 4-1-dodecyl बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है, इसके अलावा याद रखने में इजी रहेगा, सोडियम 4 इसकी पोजीशन को चेंज कर दो, डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, इजीली याद रह जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है एनसीईआरटी का, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट. तो ध्यान रखना है सॉफ्ट डिटर्जेंट हार्ड डिटर्जेंट के बारे में ये लिखना है, इसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है. और गिव वन एग्जांपल फॉर ईच. ठीक है, तो ये एग्जांपल आ जाएंगे दोनों के लिए, इसके लिए ABS को याद रखना है, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है, सोडियम 4-1-3-5-7 टेट्रामिथाइल बेंजीन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब क्या है? डिटर्जेंट से. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है कैटायनिक डिटर्जेंट. कैटायनिक डिटर्जेंट में साफ ही पता चल रहा है लार्जर पार्ट कैसा होगा, लार्जर पार्ट होगा कैटायंस का. ठीक है, पॉजिटिव. इसको इन्वर्ट सोप भी कहा जाता है, नाम है, अदर नेम है, ध्यान रखना, इन्वर्ट सोप भी कहा जाता है. दीज आर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एंड एसीटेट. ठीक है, दीज आर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एसीटेट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके यूजेस कहाँ होंगे? कैटायनों के हेयर शैम्पू, माइल्ड यूज होते हैं इसके, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर. ठीक है, वहाँ जो डिटर्जेंट यूज होगा, तो यह ध्यान रखना है हेयर शैम्पू में सोप नहीं होता है, क्या होता है? डिटर्जेंट होता है. एग्जाम्पल याद रखना है, मेन लो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन उसमें डेफिनेशन में बताया था, क्वार्टरनरी साल्ट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एसीटेट. ठीक है, अमोनियम, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एसीटेट, तो अमोनियम ब्रोमाइड हो गया. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, सिटाइल मीन 16, सॉरी तो ये 15 होना चाहिए, 15-16. ठीक है, क्वार्टरनरी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसकी चार वैलेंसी होनी चाहिए, CH3. ब्रोमाइड यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ आएगा? बाहर. ये हो गया लार्जर पार्ट पॉजिटिव. सिटाइल यानी 16 कार्बन लीनियर फॉर्म में, अमोनियम यानी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और उसकी फोर वैलेंसीज. ठीक है, और ब्रोमाइड आइड लगा हुआ है, इट मीन्स वो नेगेटिव है, तो वो आउटसाइड में चला जाएगा. ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट. नॉन आयोनिक डिटर्जेंट में ना पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना है. ये देखो मैंने लिया यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल, साथ में ली एपॉक्साइड. ठीक
ठीक है, उसका रिएक्शन कराया, तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे, तो ना पॉजिटिव बचेगा ना ही नेगेटिव बचेगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा इस तरीके से, चेन्स बन के आएंगे, ठीक है, पॉलीमर टाइप का जो चेन है वो बन के आएगा, क्लियर। अब इसके अंदर हमने ऐड किया है एक एसिड, लीनियर चेन हैविंग एसिड, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से मिलेगा CH3 CH2 16 CO, ये तो कंडेंसेशन में चला गया, CH2 O N, इसी के साथ है ये CH2 CH2 OH, ठीक है। अब देखो इसका नाम N दे दिया, तो पॉली वर्ड तो आएगा ही क्योंकि N आ गया, नंबर पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल स्टेरेट, ठीक है, पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल स्टेरेट, तो इसका नाम याद रखना है, ये एक नॉन आयोनिक, ना पॉजिटिव है ना ही यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये कैसा है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकल गया था वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है एनायोनिक डिटर्जेंट, सेकेंड कैटायोनिक डिटर्जेंट, थर्ड है न्यूट्रल और नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये याद है, नोट्स लिख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से हो जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो सोप का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। आपने जितने भी सोप पढ़े उनमें C17H35 C15H31 कुछ इस टाइप के थे, तो वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है और सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के ये क्या होते हैं, एस्टर। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, आयोनिक पार्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड, और इसे कहते हैं हम लोग टेल, ये पूंछ की जैसे ही होता है, ठीक है। जो टेल होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। अब मैम ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक ही कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, कहीं ना कहीं इसमें क्या होती है, पोलरिटी, ठीक है, पोलरिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये कैसा है, पोलर, क्लियर है। तो ये पोलर है, और वाटर भी क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें भी क्या है, पोलरिटी, ये भी पोलर है, तो लाइक मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक फॉर्मूला लगेगा, तो पोलर पोलर, इसलिए ये कैसा होता है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और ये कैसा है, नॉन पोलर, सॉरी नॉन पोलर। और ऑयल और फैट ये भी क्या होते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा नॉन पोलर अट्रैक्शन की वजह से, ये कैसा होता है, वाटर हीटिंग और ऑयल लविंग, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, क्लियर है यहाँ तक, देखो सब समझ में आ गया। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं साइज में, दे गेट एसोसिएटेड एंड मेक्स एसोसिएटेड कोलाइड्स, तो ये हम लोग
सरफेस केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ा है जहाँ कॉलोइड्स पढ़े हैं, ठीक है। तो वहाँ से इस टर्म को समझ लीजिए। सपोज ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये क्या है, ऑयल की ड्रॉपलेट है। तो जैसे ही हमारे इसके पास साबुन आता है ना, तो साबुन का टेल वाला जो पार्ट है, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो किससे अटैच हो जाता है, ऑयल से अटैच हो जाता है, ठीक है। ऑयल कहाँ है, क्लोथ पे है, कपड़े की सफाई करेंगे, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है ऑयल भी, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो आयोनिक पार्ट है वो पानी के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब ये इसके चारों तरफ इसी तरीके से सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हो गए, और ये वाटर से अटैच है पोलर पोलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसील, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइसील। जब ये चारों तरफ से इन्हीं के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल के साथ जब ऑयल जो है अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइसील स्ट्रक्चर या एसोसिएटेड कोलोइड। अब इसका जो साइज है वो एक कोलोइड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म माइसील्स अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स एज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ ऑयल एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोप माइसील फॉर्म माइसील अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट एज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ, ठीक है, गेट अटैच्ड विद ऑयल एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच्ड विद वाटर, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्म हुआ, इसके बाद हम जैसे उस कपड़े को इस तरीके से रब करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम उसको रब करेंगे तो वाटर जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टच होने की कोशिश करेगा और वो मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ऑयल भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा। द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाई सोप हैंड्स कम इन टू वाटर एंड रिमूव फ्रॉम द क्लोथ, उस वाटर को हम लोग फेंक देंगे। तो जब भी हम साबुन से कपड़े को वॉश करते हैं तो उसको थोड़ा सा रगड़ना ही पड़ता है। अगर हम लोग डायरेक्ट केवल उसमें साबुन लगा के छोड़ देंगे और उसको इस तरीके से रब नहीं करेंगे, किसी भी मेथड से ऐसे ऐसे करके या ब्रश से रब नहीं करेंगे, तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो बाहर पानी में नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत कम अमाउंट में आएगा, तो उससे वो कपड़ा क्लीन नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस है, रबिंग जो है यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू जो है ऑयल ड्रॉपलेट या माइसील जो स्ट्रक्चर बन रहा है एसोसिएटेड कोलोइड, वो कोलोइड वो बाहर निकल के पानी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। तो इसके जो क्वेश्चन है वो देख लो, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो आप कर ही दोगे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप ऊपर पढ़ लिया हमने। लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इन गिवन कंपाउंड्स, अब जैसे ये देख लिया, ए दिया हुआ है हमको, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा इसका, लॉन्ग चेन, और जो आयोनिक पार्ट होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो सेम सभी में से देखना, ये आयोनिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखो ध्यान रखना है, आयोनिक पार्ट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है ये, ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है एक लीनियर चेन ही होगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्लियर है। अब एक टॉपिक और है, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप, तो सीधे सीधे एडवांटेज है, इनको लिख लीजिए। यूज्ड इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर सोल्यूबल इन H2O। अगर हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो हम पढ़ के आ चुके हैं, कैन बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम ऑल्सो, मोर सोल्यूबल इन वाटर, डिक्रीज द सरफेस टेंशन, इसी की वजह से तो ये बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे भी रबिंग क्या करता है, उस सरफेस टेंशन को ही तो कम कर रहा है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये ज़्यादा पूछा जाता है, एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि पानी बहकर कहाँ जाते हैं, हम लोग जनरली पॉन्ड में नाली उसमें भेज देते हैं, तो माइक्रोब्स के थ्रू अगर ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा तो ये एज इट इज स्टेबल फॉर्म में बना रहेगा, तो ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देखो फिर यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप केवल क्लींजिंग के लिए, इसके भी डिसएडवांटेज हैं लेकिन फिर भी ये सोप के कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि ये हार्ड वाटर में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये केवल हमारे यूज़ के लिए इसमें पूछा है कि वो किस सोप से बेटर कैसे है, ठीक है।
जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर केवल क्लींजिंग एक्शन के बारे में पूछा था. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम सोप फ्रॉम ग्लिसरल ओलिएट एंड ग्लिसरल पामिएट. ये दोनों रिएक्शन जो है हमने करके आए हैं. ये देखो, ये मैंने बताया था डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट करा के ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है. ठीक है, इसको दोबारा मुझे करने की नीड नहीं है. अब लिख लोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो इतना हम लोग गैस कर ही पाते हैं कि तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये तीन बनेंगे. ग्लिसरॉल तो साथ में बनता ही है सपोनिफिकेशन में. ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है. इफ वाटर कंटेन्स डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउट ऑफ सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट विच वन विल यू यूज फॉर क्लींजिंग क्लोथ. ध्यान रखना है कैल्शियम आ गया. कैल्शियम किस में मिलता है? हार्ड वाटर में. तो अब क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? सिंथेटिक डिटर्जेंट और सोप. ऑब्वियसली सिंथेटिक डिटर्जेंट, क्योंकि ये इसमें सॉल्यूबल है. सॉल्यूबल होने के साथ साथ फिर ये क्लींजिंग एक्शन भी करता है यहाँ पे. लेकिन अगर हम सोप ले जाएंगे तो ये स्कम के फॉर्म में बाहर प्रेसिपिटेट बना लेगा. ठीक है, इनसॉल्यूबल होता है तो, और बहुत सारा जो सोप है वो वेस्ट हो जाएगा. तो क्या यूज़ करना है हमें यहाँ पे? डिटर्जेंट. तो ये टॉपिक और ये क्लास और ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और ये चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है. विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जांपल प्रॉब्लम सभी आपके इस चैप्टर में कवर हो चुके हैं. ठीक है, गुड.